ये बच्चे गवर्नमेंट हाई स्कूल इंदिरा कॉलोनी के बच्चे हैं, ये बच्चे डेफ एंड डम हैं, और जो इनकी डिसेबिलिटी है वो पूरी 100% है, यानी कि वो ना तो उनका 100% ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। ये बच्चे अलग अलग क्लासेस के हैं, कोई बच्चा थर्ड क्लास का है तो कोई फोर्थ क्लास का और सेकंड क्लास के हैं। तो ये बच्चे आज साइन लैंग्वेज कर रहे हैं, इनको मैं टाइम अनुसार कुछ ना कुछ काम करवाता रहता हूँ, साइन लैंग्वेज, स्पीच थेरेपी और टंग एक्सरसाइज। तो तकरीबन 6-7 महीने से मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, तो इनको काफ़ी कुछ आ गया है। आज मैंने इन बच्चों को टेस्ट देना है और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें 2-3 बच्चे इंटेलिजेंट हैं और वो मतलब एक दूसरे पढ़ा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस चल रही है उनकी, और इनको भी लग रहा है भाई हम अगर कुछ याद करेंगे तो सर हमें ट्रॉफ़ी देंगे, खाने के लिए कुछ प्राइज़ देंगे। तो ये बच्चे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन बच्चों को मैंने फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम और एनिमल्स नेम, पेट नेम्स, फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी और काफ़ी सारे जो वर्ड्स है जो हम आम भाषा में यूज़ करते हैं वो उनकी प्रैक्टिस ये कर रहे हैं साइन लैंग्वेज में। और काउंटिंग है, तो इन बच्चों को काफ़ी कुछ आता है। असल में ये जो बच्चे थे मेरे पास, पहले एक ही बच्चा था जिसका नाम पंकज है, जो और बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा है। तो क्या हुआ, अब मैंने देखा कि ये अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं, ये जैसे ही स्कूल में आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं, इन क्योंकि इनको कुछ ये बेचारे सीख ही नहीं पाते थे। तो मैंने इन बच्चों में इंटरेस्ट लिया, सभी स्कूल के बच्चे मैंने इकट्ठे किए जो कि CWSN हैं, किसी को ऑर्थो की प्रॉब्लम है, कोई MR है, कोई स्पीच थेरेपी लर्निंग डिसेबल है। तो मैंने सारे ऐसे इकट्ठे किए और जैसा भी मुझको आता है, जैसे मैं करवा पाता हूँ इनको, मैं प्रैक्टिस करवाते रहता हूँ। ये बच्चे 5-6 बच्चे जो मेरे पास हैं या डिफेंड में बच्चे हैं, ये आज इनकी प्रैक्टिस कर रही है। देखो बच्चे, ये बच्चे कितने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम देखो, आपने देखा होगा अभी अभी ये फ्रूट्स नेम के जो साइन लैंग्वेज है फटाफट कर रहे हैं, इनको मैं रोज़ प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये बच्चे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। अब मुझे इन बच्चों को कराने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आती और ना ही मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है। पहले मैं इन बच्चों पे 1 घंटा लगाया मैंने, और अब मैं ज़्यादातर जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं को अच्छी तरह टाइम दे सकता हूँ और मैं उनको पढ़ाता रहता हूँ। ये बच्चे खुद प्रैक्टिस कर देते हैं और ये कर देते हैं। देखो अब ये व्हीकल्स नेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं फटाफट। उनको साइन याद, साइन लैंग्वेज अच्छी तरह से सबके साइन पता है इनको। ये पीछे मेरे नॉर्मल स्टूडेंट हैं, ये मेरी सेकंड क्लास है, और ये इनको मैंने कुछ काम दिया हुआ है, कुछ आज इनका हिंदी का लिखने का जो काम है वो कर रहे हैं। इनको सुलेख दिया था मैंने, सुलेख ले चुका हूँ, तो जो मिस्टेक्स हैं निकली हैं इन बच्चों की वो ये दूर कर रहे हैं। अब ये बच्चे कलर्स नेम कर रहे हैं, कलर्स नेम जो कलर्स की भी साइन पता है, बड़े अच्छी तरीके से ये साइन करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब ये रिस्पांस दिखाते हैं,
कोई दूसरा देखता है तो वो तब भी बड़ा अच्छा लगता है। अब ये स्वर कर रहे हैं और व्यंजन भी करेंगे, और क्योंकि मैंने इनको स्पीच थेरेपी करवाई थी तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमाल का रिस्पॉन्स दिखाते हैं बच्चे। अब ये बच्चे काउंटिंग करने लग गए हैं। अगर टीचर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है, बस एक जज्बा होना चाहिए बच्चे में काम करने का। ये अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, अब इन्होंने ये शुरू कर दिया है। ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कल्चर एक्टिविटी में भी भाग लेते हैं। ये इनको मैं टाइम सा 15 अगस्त, 26 जनवरी, टीचर्स डे पे कुछ ना कुछ इन बच्चों को प्रोग्राम करवाते रहता हूँ, और उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। बस इनको रिपीटेशन चाहिए है, बार बार जितनी हम प्रैक्टिस करवाएंगे ये उतना ही सही होते हैं। अब ये वेजिटेबल्स पे आगे देखा, देखना कितनी अच्छी तरह से करते हैं। अब इनका प्रैक्टिस ख़त्म होने वाली है, अब बस मैं इनका टेस्ट लूँगा भाई ये कितना कुछ कर पाते हैं। साइन के साथ साथ ये स्पेलिंग भी याद करते हैं, जैसे टोमेटो है, टोमेटो का क्या स्पेलिंग है वो भी याद करते हैं। अब मैंने इसके बाद इनको स्पेलिंग ही करवानी है, आज मैंने इनको काउंटिंग के स्पेलिंग लर्न करवाने हैं। ठीक है बेटा, गुड डे, हो गया, वेरी गुड, शाबाश, चलो।